वो जो हमारे हजारों वर्कर आए हैं वो उनको जेल में नहीं जाने देंगे और वो नहीं दरवाजा खोल रहे थे। जेल भरों का मकसद है कि आम आदमी वर्कर पीटीआई के अहदेदार ये सारे हजारों लाखों लोग जेल के अंदर जाएंगे, अगर ये इनको नहीं छोड़ेंगे तो फिर तो जेल भरो तहरीक ना हुई। ये सिर्फ चार पांच लोगों के लिए ये कोशिश कर रहे हैं, जिस तरह उन्होंने कल लाहौर में किया, 80 वर्कर को पकड़कर उनको छोड़ दिया और मेन लीडरशिप को इन्होंने पकड़ लिया। ये जेल भरो तहरीक नाकाम बनाना चाहते हैं सिर्फ लीडरशिप को पकड़कर। हमने ऐसा नहीं करने देना, हम हजारों वर्कर के साथ जेल के अंदर जाएंगे। और आज आपने देखा कि सारे दिन हमारी लीडरशिप भी मौजूद है, अरबाब जानदार साहब MPA हमारे साथ मौजूद है, इस तरह मिनिस्टर, लेकिन जब तक हमारे वर्कर और आम आदमी जो कि प्रोटेस्ट करके जेल जाना चाहते हैं और अपना हक इस्तेमाल करना चाहते हैं, इस इम्पोर्टेड हुकूमत को बताना चाहते हैं कि लोग इतने से कितने तंग हैं, ऐसा नहीं हो सकता कि ये 10-12 लीडरशिप को पकड़ के। अच्छा, ये बताएगा आज कितनी गिरफ्तारियां हुई और अगला अमल क्या होगा आप लोगों को? तो पता नहीं कि गिरफ्तारियां कितनी हुई है, लेकिन हमारे वर्कर्स को, आम लोगों को, वो जो हजारों आपके सामने है, मैं आपको क्या बयान दे, आपने देख लिया सुबह से खड़े, अगर इनको जेल नहीं जाने दिया तो हम इंशाल्लाह अगली दफा इनको बुलाएंगे। नारे तकबीर, नारे तकबीर।